नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरआरबी एनटीपीसी 2019 के लिए केमिस्ट्री के प्रश्न लेकर आए हैं। ये प्रश्न आपको टोटल हिंदी में मिलेंगे के अंदर हम बेसिक केमिस्ट्री कवर करने वाले हैं। दोस्तों, ये बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट है। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में हम नीचे दे देंगे, बाकी वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रसायन विज्ञान का पार्ट फर्स्ट है। दोस्तों, लगभग 3-4 वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रसायन विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण सवाल कवर करा दूंगा, और इसी तरह भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्न भी आपको कवर करा दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न कहता है, कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक है? दोस्तों, ये है एसिटिक अम्ल, जिसका रसायन सूत्र होता है, यानी कि रासायनिक सूत्र CH3COOH। एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल होता है, ठीक है। बाकी अगला प्रश्न आता है, कागजों में से किसे पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता? दोस्तों, जो मोमयुक्त कागज होता है उसे पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता, यानी कि दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। फिर आता है नंबर 3, बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें डैश की बनी होती है, ये दोस्तों पॉलीथीन या पॉली एथिलीन की बनी होती है। यह एथिलीन यानी कि इथिलीन के अणु द्वारा बनाई जाती है। रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? ये किया था दोस्तों हेनरी बेकवेरल ने 1896 ईस्वी में। फिर नंबर 5 प्रश्न आता है, हेनरी बेकवेरल डैश की खोज से संबंधित है, यह है रेडियोधर्मिता, यानी कि रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकवेरल ने की थी। फिर अगला प्रश्न आता है, टेबल दानेदार चीनी सामान्यतः डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है या रूप में जाना जाता है? ये दोस्तों सुक्रोज के रूप में जाना जाता है। दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली जो चीनी होती है उसका रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, जिसको सुक्रोज के नाम से जाना जाता है। इसे गन्ने या चुकंदर की सकरा भी कहा जाता है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, और फ्रक्टोज का भी यही होता है। आप ध्यान रखिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का रासायनिक सूत्र एक है। फिर अगला प्रश्न आता है, पेड़ की वर्षों में आयु का पता लगाने हेतु कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ये पेड़ के छलों की संख्या की गणना से पता किया जाता है। फिर अगला प्रश्न आता है, लाशा को पानी के साथ मिलाने पर किस रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? इसे गोंद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, केमिस्ट्री में थोड़े से अजीब नाम देखने को मिलेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे ही आप इसे 3-4 बार देख लेंगे आपको वहाँ पेपर में देखते ही आंसर पता लग जाएगा। अगला प्रश्न आता है, विलायक अणुओं की एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च घनता वाले अक्षेत्र में सहज नेट मूवनेट, जो कि उस दिशा में जो घुले पदार्थों की घनता को दोनों तरफ से सामान्य बनाती है, उसे क्या कहते हैं? कितना लंबा प्रश्न है, लेकिन आंसर छोटा सा, उसे कहते हैं ओस्मोसिस। अगला प्रश्न आता है, कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एनीस्थेटिक के लिए स्थानापन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ये इस्तेमाल होता है नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में। फिर 11 नंबर आपका आता है, टेफ्लोन खाना पकाने के लिए उपकरणों में एक नॉनस्टिक कोटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तारों आदि में अपने इंसुलेशन विशेषता के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है एक बहुलक, जिसे पॉलीमर होता है, जिसमें कार्बन डैश बॉन्डिंग शामिल होता है, ये होता है फ्लोराइड। किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? दोस्तों, ये है बैटरी। परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा कौन थे? ये थे जूलियस ओपनहाइमर और लेस्ली रिचर्ड ग्रोव्स। परमाणु बम का आविष्कार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, ये भी आपको पता होना आवश्यक है, जिसमें मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसे बनाया गया था, और लॉस एलामोस और न्यू मैक्सिको में इसकी योजना बनाई गई थी। फिर आता है, साबुन में एंटीसेप्टिक गुणों मिश्रणों में से एक के कारण पाया जाता है, ये पाया जाता है बीथियोनल के कारण, जो रोग फैलाने वाले कीटाणुओं को या कीटाणुओं से बचाता है या कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? ये की थी परजिलियस ने। रासायनिक प्रतीक मतलब जैसे स्वर्ण का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया है
जिसका अर्थ होता है पीला, और कोपर का नाम साइप्रस से उत्पन्न हुआ है या व्युत्पन्न हुआ है। डैस नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है, और डैस फिर से डैस लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। दोस्तों अम्ल नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है, ठीक है, और अक्षार लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। फिर नेक्स्ट आता है किसे फल पकाने में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों फल पकाने में आमतौर पर तो ऑप्शन में मिलता है एसिटिलीन, लेकिन यहाँ कैल्शियम और कार्बाइड और एसिटिलीन ये दोनों ही कंडीशन में फलों को पकाने में उपयोग किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। ये किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है जिसके निर्माण में नाइट्रोग्लिसरीन प्रयुक्त किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने, और डायनामो का किया था माइकल फेराडे ने, और इलेक्ट्रॉन का किया था जे.जे. थॉमसन ने, और प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने। इन्हें आप ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा बार ये पूछे गए हैं। न्यूक्लियस में डैश परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर को दर्शाता है। दोस्तों ये प्रोटॉन को दर्शाता है। फिर नेक्स्ट आपका प्रश्न आता है एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। ये होते हैं कुछ नहीं यानी कि जीरो। किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा होता है, ये होता है आयोडीन का। किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन में हमेशा पॉजिटिव आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को डैश कहा जाता है, पॉजिट्रॉन। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है, परमाणु संलयन से। फिर आपका नेक्स्ट आता है 27, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये होते हैं 6। दोस्तों लगभग एक वीडियो में लगभग मैं 50 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया करूंगा, पर लगभग 350-400 क्वेश्चंस में आपकी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न केमिस्ट्री के कवर हो जाएंगे, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं वे सभी प्रश्न इनमें आ जाएंगे आपके। तो आप ये 3-4 वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा, और एग्जाम से पहले भी एक बार देख लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको इससे बाहर कुछ मिलने वाला है। इसी तरह भौतिक विज्ञान भी कवर होगा और आपका जीव विज्ञान भी, ठीक है। तो अगला प्रश्न आता है आपका, कौन सी एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, गुरुत्वाकर्षण। बाकी इसकी पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सी रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, यह है निष्क्रियकरण। ऑक्सीजन प्रतिक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों में यानी कि इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। फिर नेक्स्ट आता है पानी का घनत्व क्या है, पानी का घनत्व है 1000 किलो प्रति घन मीटर। फिर नेक्स्ट आता है, वह एकमात्र धातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है, वह है दोस्तों ब्रोमीन। गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, ये प्रोपेन की जाती है। फिर नेक्स्ट आता है, गैसों में से किसमें एक तीखी गंध आती है, दोस्तों अमोनिया से तीखी गंध आती है, ये आपको पता भी होगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका 35, कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्मा शोषी होती है, यह होती है उपघटन प्रतिक्रिया। फिर नेक्स्ट आता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे डैश अभिक्रिया में कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी। फिर नेक्स्ट आता है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु यानी कि सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है, उसे कहते हैं डिपोजिशन। फिर नेक्स्ट आता है, डैश पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है, यह है दोस्तों बोस आइस्टिंग घनीभूत। फिर नेक्स्ट आपका आता है 39, कच्चे माल से विभिन्न उत्पादों को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, ये विधि है आपकी आंशिक आसवन। फिर नेक्स्ट आता है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्रकृति गैस कौन सी है, यह है मीथेन। मीथेन जो है भूमि सतह के नीचे से निकलती है। फिर नेक्स्ट आता है, एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी में संग्रहित की जाती है, तरल अवस्था में संग्रहित की जाती है, जो कि हाइड्रोकार्बन गैसों ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। फिर नेक्स्ट आता है, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं है और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अमिश्रणीय यानी के इमिशिबल, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका 43, तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक प्रकाय है, यह किसने कहा था, यह कहा था मेंडलीव का आवर्त नियम ने। फिर आता है, आधुनिक आवर्ती नियम किसने दिया था जिसके अनुसार
तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फंक्शन है, ये कहा था हैरी मोशेले ने। फिर नेक्स्ट आता है आपका आवर्ती यानी कि आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रिया तत्व क्या है, यह है उत्कर्ष गैस। फिर नेक्स्ट आता है किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है, यह है लिथियम। दोस्तों ये एसएससी में एक बार पूछा गया है तो आप ध्यान रखिएगा, परमाणु क्रमांक 3 किसका है, लिथियम का। फिर नेक्स्ट आता है रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम की संपन्नता को डैश कहते हैं, इसे बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। फिर नेक्स्ट आता है कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है, दोस्तों हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं है। फिर आता है किस गैस को अज्ञात यानी कि स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है, ये जीनोन, ये भी एक बार पूछा जा चुका है एसएससी में। फिर नेक्स्ट और आज का लास्ट प्रश्न आता है 50, कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे धातु या किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है, यह है दोस्तों पारा। तो दोस्तों ये 50 सवाल आप 2-3 बार इसकी वीडियो देख लीजिएगा, आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे और एग्जाम में देखते ही आप इसे उड़ा देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी हमारे चैनल सेल्फ स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों इसे सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। तो दोस्तों फिर मैं आपसे मुलाकात होगी अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।